इधर पश्चिम के दिशा में ब्रह्मपुर है, ये पूरब की दिशा में पुल है और इसका लोकेशन चल जाएगा तो गया चल जाएगा। जैसे यहाँ पर पुल लगा हुआ है गया 70 किलोमीटर और यहाँ पे सुखपुर का भी एरो भी दिखाया हुआ है, दिखा लिया है कि तरह से सुखपुर है। चलिए आप लोग हम सुखपुर लेकर चलते हैं। इसी वीडियो में आप लोग को सुखपुर के बारे में बताएंगे। सुखपुर से पानी इसका थोड़ा नॉर्मल है लेकिन इसका महत्व छठ पूजा में पड़ जाता है क्योंकि छठ पूजा में इसको काफी यहाँ पे छठ पूजा जब रहता है तो यहाँ मेला लगाया जाता है। तो आज आप लोग को इस सुखपुर का दर्शन कराएंगे और यहाँ पे सूर्य भगवान का मूर्ति भी स्थापित किया गया है और सुखपुर को साबुन और शैम्पू भी आप लगा सकते हैं, उस कुंड को भी दर्शन कराएंगे। तो चलिए आप लोग को कुंड के अंदर ले चलते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आप लोग हमारे चैनल जान ब्लॉग पे स्वागत है। आप लोग से बस रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। हम पूर्व परिसर के अंदर में आ चुके हैं और जब मैं जैसे भी आ रहा तो मुझे अगल बगल बहुत सारी गंदगी देखने के लिए, खास करके वैसे तो टॉयलेट वगैरह की। तो मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ पब्लिक से कि जो भी पूर्व परिसर में आए तो आसपास में गंदगी या टॉयलेट नहीं करें, टॉयलेट वहीं करें जहाँ पर मतलब टॉयलेट बना हुआ हो। और आप लोग से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि स्वस्थ भारत के साथ जुड़े और स्वस्थ दूसरों को रखें और खुद स्वस्थ रहें और अपने जहाँ से जहाँ रह रहे हैं वहाँ भी स्वस्थ रहें। एक और एक पुल है लेकिन ये बंद पड़ गया है, क्यों बंद पड़ गया है इसमें गंदगी फैला हुआ और पुल में पानी की मात्रा कम होने का कम हो गया है। इसलिए आप लोग कहते हैं कितना गंदगी आप पास में आकर दिखा सकते हैं, इसलिए कहते हैं कि गंदगी नहीं फैलाइए। और इसीलिए एक गौरी कुंड है और चलिए दिखाते हैं कि इसे कुंड में साबुन लगाया जाता है और कपड़े भी साबुन से धोए जाते हैं लेकिन इसमें गंदगी ज़्यादा होने के कारण लेकिन पानी का निकास नहीं हो रहा है। तो इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट करेंगे जो भी यात्री इसमें नहाने के लिए आते हैं तो प्लीज़ गंदगी नहीं फैलाएं, ये हमारा है तो कुंड है, हम लोग इन्हें साफ सुथरा रखेंगे तो कौन रखेगा। इसलिए कुंड में देखिए पानी चल रहा है, थोड़ा सा आप कैमरा को दिखा सकते हैं, कैमरा को दिखाना नहाने के बाद इस मंदिर में पूजा कर सकते हैं। आप नहा लीजिए कारपटी और इस मंदिर में आप पूजा कर लीजिए। जो स्कूल है इसके मतलब कि छठ पूजा में इसमें अर्घ दिया जाता है और ये पानी बताया जाता है किसी पहाड़ से आता है, इस पहाड़ में यही बताया जाता है कि इसमें गंधक और सल्फर की मात्रा है, इसमें पानी निकलता है। इसी में इसमें पानी बताया जाता है कि चर्म रोग और पेट का जो भी बीमारी होता है उससे ठीक हो जाता है। तो आप लोगों को थोड़ा अंदर भी हम दिखाते हैं और इसमें कहा जाता है कि छठ पूजा में इनका बहुत काफ़ी यहाँ पे भीड़ लगता है और मेला भी लगता है, सब लोग राजनी बात को यहाँ पे अर्घ देने आते हैं। चलिए आप लोग थोड़ा अंदर भी दिखाते हैं। स्कूल के सामने यहाँ पर हंसा बलि का मूर्ति स्थापित किया गया है। तो आप नहाने के बाद इसकी पूजा कर सकते हैं और यहाँ पर आप यहाँ पर चबूतरा बना हुआ है, आप नहा कर यहाँ पर आराम कर सकते हैं और अपने परिवार के साथ आइए और पूरा राजगीर घूमिए। ऐसे तो मैं इस पर वीडियो बना रहा हूँ, बस आप लोग से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मिलती रहेगी। बस पूरा वीडियो को आप लास्ट तक देख लीजिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है। और साबुन लगाइए शैम्पू लगाइए तो इसका जो पैकेट होता है उसको बाहर निकाल के फेंक दीजिए, मतलब इसका नाली जाम हो जाएगा। अब इधर से कुछ घूम लिया और भी घूम लिए लेकिन यहाँ पे रोटी चिपका हुआ है, पूरी में साबुन शैम्पू एवं प्लास्टिक का है जो और आसपास खाना बनाने पर पकड़े जाने पर 200 रुपये का जुर्माना वसूल किया जाएगा। तो हम लोग रिक्वेस्ट है कि कार्यालय पदाधिकारी नगर पंचायत की तरफ से ये जो भी चिपका हुआ है तो आप लोग इस नियम को फॉलो कीजिए, नहीं तो आप लोग को 200 रुपये का जुर्माना लग जाएगा। इसमें सिर्फ लेडीज और जेंट्स खा सकते हैं और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे ही पुल हैं और भी अगल बगल पुल हैं और जो पुल बंद हो गए हैं क्यों बंद हो गए क्योंकि इसमें पानी नहीं है और पानी में बंद होने के कारण उसकी गलती हो गई है, जैसे कि पानी हो गया लेकिन वो छठ के समय में खुल जाता है। तो आप यहाँ पे नहाने के बाद आप यहाँ पर आराम कर सकते हैं।
जिस स्कूल का एक छोटा सा वीडियो था, आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक कीजिए और अपने अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।